गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री राम और हर हर महादेव। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पे पर ही मेरे जो है 21 दिन पूरे हुए हैं इन वीडियोस को बनाते बनाते। तो आज हमारा 21वां दिन है जिसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। कार में बैठ चुके हैं, कार में बैठ के अब अपन जा रहे हैं कहाँ को, जिम को। पर जिम से पहले जाएंगे हम मंदिर। मंदिर में क्या करेंगे, मंदिर में थोड़ा सा पाठ पूजा करेंगे, उसके बाद जिम जाएंगे, फिर महादेव के मंदिर जाएंगे। आज जो दिन है ना, आज का दिन बहुत ही पवित्र होता है। आज के दिन जो भी मनोकामना मांगोगे, जो भी विशेष आपकी रहेगी, सब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। बस सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से, अच्छी तरीके से प्रार्थना करना, मस्त बोलेगी। देखिए अभी ठंडाई वाली जगह के लिए टेंट वगैरह लग गया, अभी आपको दिखे शायद दिख जाए कैमरा में, नहीं नहीं दिखेगा पर ठीक है, मैं बाद में दिखाई देता। तो भाई मैं बता रहा हूँ, जगह जगह जो है टेंट लग रहे हैं भाई, ठंडाई है बटेंगी, भांग मिलेगी, सब मिलेगा भाई। पर हाँ, भांग ज्यादा मत पीना भाई, बहुत खतरनाक नशे होते हैं, क्या पता भाई। तो मैं दो तीन दिन तक कुछ ही नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे भाई घरवाले। घरवाले तो भाई कहाँ गए हमारा लड़का। और खास करके भाई चलो, हाँ ये तो सब सारी चीजें हो गई। मैं आपको बता दूँ, आज अपन जिम में क्या करने वाले हैं। आज अपन जिम में करने वाले लेग्स का वर्कआउट। एक बड़ी मसल होती है लेग्स, और इस मसल को करने के लिए अपन को लाइक कार्ब्स तो लेने पड़ते हैं, क्योंकि भाई एनर्जी चाहिए रहती है। बट मैंने कोई कार्ब्स नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि भाई पेट में ऑलरेडी बहुत सारा फैट है। अपन लेंगे एल कार्नेटीन, और उसके पहले मेरे को भूख तो बहुत तेज लग रही थी। मैंने क्या करूँ, तो मैंने घर में रखे हुए दिख रहे थे मुझे डेट्स, मैंने फटाफट 7-8 डेट्स खाए और उनको खा के निकल गया। और अब मैं जा रहा हूँ बस मंदिर, मंदिर के बाद अपन पहुँचेंगे जिम। और सबसे अच्छी बात हाँ ये, और मैं बता दूँ, ये जो कार देख रहे हो आप लोग, ये भाई वही कार है जो 40,000 रुपये में मेरे पास आई है स्विफ्ट। अभी इसका आपको बाहर से भी लुक दिखाऊंगा। उस दिन जो रात में दिखाई थी तो आपको क्या पता समझ में आई हो कि नहीं आई हो, पर अभी मैं आपको दिन में दिखाऊंगा भाई। दिन में एकदम लाल दिखती है, लाल छाड़ जा रहा हूँ जैसे। बाकी भाई वर्थ इट है, बहुत है, बहुत माइलेज है यार। मतलब मुझे, मैं मारुति को बहुत बेकार समझता था। मतलब बेकार इसलिए समझता था क्योंकि यार इसमें बिल्ड क्वालिटी नहीं आती ना यार। पर मैं एक बात बताऊँ भाई, माइलेज किंग है यार, माइलेज किंग है। मतलब आप एक्टिवा मेंटेन कर लो या स्विफ्ट मेंटेन कर लो, बात एक ही है। क्योंकि भाई एक्टिवा भी लगभग उतना ही माइलेज देती है, भगाओ उसको 30-35, और यहाँ पे ये वैसी दे रही है यार 30, वो भी डीजल। भाई मैं यही बोलूंगा कि यार अच्छी कार है यार, नो डाउट। और मेरे जैसे लोगों के लिए तो भाई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भाई मेरी रनिंग इतनी ज्यादा है, घर से निकलता हूँ 15 किलोमीटर हो जाते हैं, और फिर थोड़ा बहुत आगे इधर उधर घूम लिया तो हो गए 30-40 किलोमीटर। तो डेली की जो 100 किलोमीटर की मेरी रनिंग है, उसके लिए काफी हेल्पफुल है ये गाड़ी, कहा जाए तो। समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि भाई जिम जो है मेरा, जिम की दूरी है यार, जिम मेरे घर से होगा लगभग 12 या 13 किलोमीटर। अब वैसे कुछ टाइम बाद वैसे मैं जिम चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि यार इस जिम से मैं बोर तो नहीं कह सकते, बट हाँ यार कि अब थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में जिम। मैं सोच रहा हूँ बीच के 2-3 महीने कोई और जिम में बताऊँ जहाँ पे थोड़ा सा अलग फील आए, अगर अच्छा लगेगा तो फिर वहाँ पे मैं ही अर्ली मेंबरशिप करा लूँगा। पर कोशिश यही है कि यार थोड़े दिन अब जिम चेंज किया जाए, क्योंकि इस जिम को 1 साल हो जाएंगे मेरे को 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मैंने यहाँ पर मेंबरशिप ली थी, वैसे तो 1 साल हो चुका है, मतलब होने में ही है। अगले हफ्ते के कंप्लीट होने पे मुझे 1 साल हो जाएगा इस जिम पे, जिस जिम पे अभी मैं जाता हूँ। और काफ़ी बढ़िया जिम है यार, नो डाउट। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि यार जिम बेकार इसलिए छोड़ रहा हूँ, बट जिम क्या है ना कि चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वेट्स को उठाते उठाते अपन वेट्स के लिए यूज हो जाते हैं अपने हाथ पे, तो अपन को इसलिए जिम में बहुत चेंज करते रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको लेग्स की मसल बताई, लेग्स के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है भाई, हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। और अभी मैं तो फिलहाल एक ही बार कर रहा हूँ। मैं एक बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को क्या है ना कि मैं ज़्यादा वेट अगर उठाने लग जाऊँ, डबल मसल करने लग जाता हूँ, यानी हफ्ते में 2 बार दोनों मसल, तो मेरे को यार मतलब वेट लॉस तो होता है, फैट लॉस भी होता है, और साथ साथ मसल लॉस होने लग जाता है। तो मसल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसल लॉस होगा तो यार वहीं जो अपन जितना मतलब कोशिश कर रहे हैं अपने आप को और ज़्यादा बढ़िया बनाने की, और उतना ही नीचे अपन आ जाएंगे, तो वो मतलब नहीं है कुल मिलाकर, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि भाई प्रोग्रेस जो आपकी दिखेगी ना भाई, जो आपका
ना चाहते हुए मन लगता है। क्यों लगता है? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि यार क्या होता है, अपनी इच्छाएं रहती है, अपनी विशेष रहती है, अपनी वो विशेष स्लोली 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 पूरी होती है। तो सेम उसी प्रकार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो आपकी विशेष भी है ना, वो इसी प्रकार पूरी होगी। जब आप अपनी लाइक जो भी अपनी डिजायर्ड चीज़ें हैं उनको पाने की कोशिश करो। जब जैसे मेरी डिजायर्ड चीज़ आपके चीज़ों के बारे में बात करूँ तो भाई मुझे जिम बहुत पसंद है। जिम बहुत इन द सेंस के ऐसा पसंद है कि मुझे वहाँ जाना पसंद है। एक्सरसाइज तो सेकेंडरी है, और अपन को कुछ वहाँ से बॉडी बन जाए वो भी एक हायर बॉडी बन जाए यार। ये तो है यार, मतलब कितना ही ऊपर से शुरू कर लो यार, बॉडी वॉडी बनाने बना जाता है तो ऐसे ही यार भाई बॉडी बनाने जाते हैं, क्योंकि भाई अच्छा लगता है यार। मिरर में खुद को देखो तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि यार हाँ यार कुछ तो वगैरह सही है, कुछ अच्छे दिख रहा है, कुछ लाइक फीचर्स दिख रहे हैं भाई। मतलब बॉडी में पूरी बॉडी की सुंदरता को ढूंढ रहे हैं भाई, ढूंढने लगे यार बॉडी में। क्या बताऊँ यार, वैसे ही कुछ साल रहते हैं यार, 30, 35, 37, 38 या 40 तक रहती है। मतलब अगर आप बोलोगे कि एकदम ऊपर ही, बल्कि 50 तक रहती है भाई। अगर आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को देखो तो वो 50 साल के भी हो गए थे तब भी बुढ़े नहीं लगते थे। वो बात अलग है, वो लोग मेकअप करते हैं, सर्जरी वर्जरी करा लेते हैं। पर मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि यार मेरा यही कोशिश है कि यार मतलब अपने आप को और ज़्यादा यंग रखा जाए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपनाता हूँ, और भाई मैं ज़रूरत जितना ज़रूरत होती है उतना ही खाना खाता हूँ। ज़बरदस्ती पूछता नहीं हूँ, और भूखा रहता हूँ भाई। भूखा रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई अपन लोग मतलब लोगों को देख देख के बहुत खाते हैं। इतना खाने की ज़रूरत नहीं है, अपन लोग भूखे रहेंगे ना, भूखे रह सकते हैं। मैं आप लोग यही बता रहा हूँ कि अगर मुझे पूरा दिन भर भी खाना नहीं मिले ना, मतलब फास्ट रखना पड़ जाए एकदम से 2-3 दिन का, तो मैं रख सकता हूँ। तो सेम मैं भी आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि भूखा रहना भी सीखो भाई, क्योंकि क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी को जितना अपन भर देते हैं बॉडी के अंदर। मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने थोड़े से डाइट में चेंजेस करे। डाइट में ये चेंज करा है मैंने कि जो पूर्ण रूप से मतलब डाइट होती है, तो मैं रात को बिल्कुल भी फैट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि भाई रात को सोता हूँ मैं। तो रात को मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सोता हूँ उससे पहले मैं दाल, बस उबली दाल पीता हूँ बिना नमक वाली। तो बस वही पी के सोता हूँ ताकि फैट वैट ना चढ़े बॉडी में, ठीक है। तो अब अपन मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर आ चुका हूँ मंदिर पे। गुड मॉर्निंग सभी को, आज अपना डे किसवा और शिवरात्रि का त्यौहार है, तो मैंने आपको सबसे पहले महादेव दिखाई दिए इसलिए, और फिर यहाँ पे माता जी के दर्शन कर लो, फिर अपन अपना काफिला आगे बढ़ाते हैं गणेश जी की तरफ। गणेश जी कहाँ हैं जी? यहाँ हैं। आप निहार लीजिए मुझको, और उसके बाद अपन इनका साइड पोज लगाते हैं, आप लोग साइड से लोग अच्छे लोग हैं, फिर अपन अपना काफिले को आगे बढ़ाते हैं गणेश जी की तरफ। जय श्री राम। और ये यहाँ पे फिर अपन मंदिर के बाद आ गए मछलियों को खाना खिलाने। यहाँ पे मैंने उनको आटा ब्रेड खिलाई, और फिर उसके बाद बहुत दिन बाद आया था यार यहाँ पे, काफ़ी हरियाली लग रही थी पार्क में, लेकिन यार यहाँ पे कचरा खिलाने, और आप लोग देख ही सकते हो साफ़ सफाई तो है बट यार बहुत कचरा करते हैं लोग बाग यहाँ पे आके, पूरा पानी में ही फेंक देते हैं, पन्नी वन्नी जो भी रहती है। तो ये गलत नहीं करना चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ मेरी ये देख, अभी आपको अंदर से दिखाई थी कार, अब आप बाहर से देख लो। अब अपन पहुँच गए हैं जिम। जिम में अपन ने वार्म अप के रूप में ही स्टार्ट कर दिया है एबडक्शन और एडक्शन से। क्यों किया है? क्योंकि यार एबडक्शन और एडक्शन में भी आपके जो अपन को देखो पैर का वर्कआउट करना है, तो पैर के वर्कआउट के लिए पैर की मसल खुलना बहुत ज़रूरी है, वो जो कि अपने सेटअप से हो जाती है। स्क्वाट्स लगाते हैं अपन, वेट फ्री स्क्वाट्स, मतलब बॉडी वेट वाली स्क्वाट्स, उनसे भी हो जाता है। बट मैंने, मेरे को आलस आ रहा था क्योंकि यार मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था आज लेग्स लगाने का, बट क्या करे भाई, लगाना तो पड़ेगा क्योंकि लेग्स फेवरेट होना चाहिए, मतलब मज़ा आना चाहिए लेग्स लगाने में। तो लेग्स लगाने में मज़ा आए इसके लिए मैंने क्या करा कि एबडक्शन से ही वार्म अप कर लिया, एबडक्शन और एडक्शन से। अब इसमें इसके वार्म अप में एक चीज़ और बहुत अच्छी हो जाती है कि एक अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और अपने जो पैर हैं वो एकदम से मतलब लाइक टाइट टाइट नहीं हो जाते, जैसे अपन किसी चीज़ को टेप से बांध देते हैं तो एकदम टाइट टाइट हो जाती है, तो वैसा फील आपको इस एक्सरसाइज के बाद अपने पैरों में देखने को मिल जाता है इंस्टेंट। और फिर उसके बाद ये देखिए मैंने करा एडक्शन। एडक्शन में क्या हुआ, दूसरी बार जब मैंने इसको एडक्शन को खींचा तो सीधा मसल पे बहुत तेज़ मतलब पेन हुआ, तो फिर मैंने इसको स्लो करा।
स्लो करते करते फिर धीरे 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 इसको तेज़ करा, जैसा कि अभी आप देख रहे हो मैंने धीरे धीरे इसको तेज़ करा। बहुत तेज़ दर्द हो गया था यार, बहुत तेज़। और फिर ठीक है, दर्द का क्या ही कर सकते हैं, दर्द का इलाज कर सकते हैं अपन। तो फिर उसके बाद मैंने बाहर की तरफ देखा, बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, और इस मौसम में लाइक यार ऐसा होना चाहिए यार, जिम में ऐसे बाहर जैसे गार्डन है, इस गार्डन में पूरी मशीनें रखी हों, यहाँ पे अपन वर्कआउट कर रहे हो भाई, कितना मज़ा आएगा। ऊपर एक ग्रीन नेट लगा हो जिससे धूप नहीं आ रही हो। खैर अपन तो अपना मन है, अपन तो कुछ भी सोचते हैं, बाकी अंदर होना ज़रूरी है बारिश हो गई तो। और आप देखो ये फिर से मैंने अब दूसरे लुक में, मतलब दूसरे साइड से, ताकि आप मेरा इस साइड से भी चेहरा वेरा देख पाओ और कैसी एक्सरसाइज करता हूँ। ये देखो मेरा जो लोअर है वो झोले खा रहा है, पहले की मूवियों में सही होता था यार वो झोले वाले पैंट, मस्त इधर उधर सपाटे मारते थे एक दूसरे को। बढ़िया रहता है, इसलिए मैं स्ट्रेट फिट कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि यार जो स्किनी फिट आते हैं ना ये लोअर, उनमें यार अच्छा तो फील होता है लेकिन लाइक खुला खुला फील नहीं होता, इसमें थोड़ा सा खुला खुला फील होता है, अच्छा लगता है इसमें, इसलिए मैं स्ट्रेट फिट पहनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्ट्रेट फिट ज़्यादा कंफर्टेबल है आई गेस। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है एडक्शन में, क्योंकि इसमें अपन को पूरी ताकत से दोनों को खींचना पड़ता है इधर, और खींचने के बाद क्योंकि हैवी वेट है तो खींचने के बाद क्या होता है कि पैर भी एकदम से संभाल नहीं पाते, पर फिर धीरे 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 हो जाता है। अभी आप ये देखो धीरे 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 अपन कर रहे हैं तो हो रहा है, तेज़ तेज़ करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि भाई मसल वहाँ की वैसे भी पूरी स्ट्रेच रहती है, अपन पेन उसे एक लिमिट तक ही दे सकते हैं, ज़्यादा पेन देंगे तो वो फिर हार मान जाएगी। ये देखो अभी ये मेरे पैर जो हैं बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे, तो फिर मेरे को हाथ से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ गई, थोड़ा सपोर्ट देना पड़ गया। ये मैंने किया एडक्शन, फिर मैं उठ के चले गया स्क्वाट्स लगाने के लिए। तो स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स मैंने स्टार्ट करने का सोच रहा था, वो रॉड्स ही लगाऊं, बट उससे पहले मैंने सोचा ये मशीन खाली पड़ी हुई है, इसका भी यूज़ कर ही लूँ। तो मैंने मशीन को चुना और मशीन पे स्क्वाट्स लगाए। मशीन पे स्क्वाट्स लगाने के फ़ायदे आपको बता देता हूँ, इसमें अपना पोस्चर जो है वो बिल्कुल बेहतरीन सही आता है, वेट्स अपन ज़्यादा लगा सकते हैं इसमें, तसल्ली मिल जाती है। वेट्स तो खैर भाई जो आप रॉड से उठाओगे वही बेसिक एक्सरसाइज ही है, जो आपको एकदम मतलब आपके पैरों पे लाइक जो अच्छे से पेन देती है, प्रेशर बनाती है। बाकी इन एक्सरसाइजेस का तो सिंपल सा फंडा है कि यार बस ये करते जाओ, और इनसे भी सेम पोस्चर आता है लेकिन वेट उतना नहीं लगता, वेट उतना नहीं आपके कंधों पे आता, बॉडी पे दिक्कत नहीं होती है। हाँ मतलब ये कह सकते हैं इसमें आपको इंजरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं मशीनों पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ ये कंट्रोल्ड मैनर में रहती है। तो फिर यहाँ से अपन ने वेट बढ़ाया, क्योंकि वेट काफ़ी कम था, तो 25 किलो था, तो मैंने और 20-20 किलो और भरा उसके अंदर, मैंने फिर लगाया। फिर आप देख सकते हो किस तरीके से पोस्चर आ रहा है, किस तरीके से कितना नीचे मैं जा रहा हूँ, कोशिश यही रहती है और ज़्यादा नीचे जाऊँ। ये देखो आप, नीचे आने की और ज़्यादा कोशिश करी मैंने और ज़्यादा, ये देखिए कोशिश यही है कि पूरा नीचे तक जाऊँ, जितना खोल सकूँ अपनी बॉडी को उतना नीचे तक जाऊँ, जितने बस की है, पर जितनी बस की उतना ही जा पाता हूँ भाई, ज़्यादा नहीं जाता। मैंने बताया ना कि यार लेग्स अपन ने कभी किए नहीं, अभी एक साल लगभग हो गया है जिसमें मैं लेग्स मार रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं लेग्स करता ही नहीं था। अभी ऐसा है कि लेग्स करने की आदत हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है, तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और अब मैंने वेट और बढ़ा दिया इस पर, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो वेट हो चुका है ये हो चुका है 140 या 150 समथिंग। तो 140 वेट के बाद जो आप देखो मेरे वेट का डबल है ये, यहाँ पे देखो आप 140 केजी भी अपन उठा रहे हैं तो अपन को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको यही चीज़ बता रहा था, मशीन में आप 140 केजी लगे हुए हैं और आप उठा ले रहे हैं। और अभी यही चीज़ मैं रॉड पे जाऊँगा, रॉड पे 80 किलो बस। देखो अभी आप, मैं अब आपको रॉड के साथ दिखाता हूँ, बट उसके पहले एक सेट और लगा लें इसका 10 किलो और बढ़ा करके, तो ये हो गया 160 केजी। अब 140 के बाद 160 केजी पे अपन आए हैं, तो देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। मेरे हिसाब से तो 5 ही आएंगे।
क्योंकि भाई बहुत भारी लग रहा था वो 140 भी, बट मैंने कहा भाई लिमिट्स को पुश करना है अपन को, अपन को पैर को बेटर शेप में लेकर आना है, मसल्स बढ़ानी है पैर की। ये देखो पहला मैंने हाफ लिया, फिर सेकंड में थोड़ा सा नीचे तक गया, थर्ड में अब मैं पूरा नीचे तक जाऊँगा। देखो जितना मैं जा रहा था हर बार, 4 5 6 7 8 8 लगा दी मैंने, आप मानते नहीं। देखो अब देखो ये अपन आ गए रॉड पे, रॉड पे मैंने 10 किलो बाई साइड लगाए और यहाँ पे 10 किलो की रॉड से फटाफट जो है स्क्वाट्स लगाना चालू किए। अब आप इसमें देखो मैं इसमें पूरा नीचे तक बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यही एक बेसिक एक्सरसाइज है जो पहले से चलती आ रही है, इसी एक्सरसाइज से बहुत सारे लोगों ने बॉडी बनाई है, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अपनी भी बॉडी इससे ही बनेगी। फालतू दिमाग लगा के या एंड में एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं है, होगा वही जिस जिन चीज़ों से होता है, मतलब करेंगे अगर ढंग से तो हो जाएगा, ढंग से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फटाफट से मैंने 15 रिपीटेशन लगाए, फिर सेकंड सेट में जो है मैंने 10-10 किलो और बढ़ाया, 20 किलो कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे का एंगल भी चेंज करा क्योंकि मुझे कांच का एंगल दिखाना था, मैंने इसलिए ये चीज़ करी, बट वो वैसा नहीं हो पाया जैसा मैं चाह रहा था क्योंकि बाहर से सनलाइट बहुत ही तेज़ आ रही थी, बहुत ही तेज़। बाहर जो कार्स खड़ी थी ना उसकी विंडशील्ड पे सनलाइट पड़ करके अंदर बहुत ही तेज़ आ रही थी, तो वो शूट नहीं हो पा रहा था। और कोई कैमरे के लिए प्लेस नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है लेग प्रेस की मशीन रखी है, बट आप फिर भी देखो कि मैं कितना नीचे तक जा रहा हूँ। कांच का आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आप मान के चलो 60 kg है, 40 40 मतलब सॉरी 20 20, और रॉड का मान लो आप 16 17 किलो, तो ऑलमोस्ट 57 something kg हो गया। ये वेट अपन ने लगाया और उसके बाद अपन सीधा आ जाएंगे, 10 किलो और बढ़ाएंगे इस पर। ये देखो अभी आप में 10 किलो बढ़ाते हैं इस पर। ये देखो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि यार पता है ये जो एक्सरसाइज करता हूँ ना यहाँ पे मेरा कंधा एकदम से सुन्न टाइप का हो जाता है, पर ठीक है 10 किलो और बढ़ाए मैंने, 30 किलो हो गया है, 30 30 plus 17 तो 77 kg समथिंग अपन उठा ले रहे हैं अपने वेट बराबर, और ये मुझे उस 160 से भी ज़्यादा भारी लग रहा है, आप खुद देख सकते हो। कोशिश यही है पूरी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा जाऊँ। और लास्ट टाइम का मुझे याद है, अगर लास्ट टाइम की आप लेग्स की वीडियो देखोगे उसमें मैं 35 kg से मार रहा हूँ, और 35 kg से भी मैं 12 ले आया था, 8 या 12 आ गए थे, यहाँ पे 5 6 ही आ पाए। तो मैं बता रहा हूँ हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन अलग अलग बॉडी के वो रहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट किया अपन ने 45 किलो से, 45 किलो ईच साइड, तो 45 45 हो गया 90 kg, 90 kg से अपन ने लेग प्रेस किया। आप देख ही सकते हो कि इसमें तो 15 सेट आनी ही है क्योंकि 90 kg है, ईजिली मेरी बॉडी जो है वो उठा लेती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती इसमें अपन को। तो फटाफट से मैंने ये उठाया, और इसको उठाने के बाद इसको मैंने करा कि यार अब वेट बढ़ा ही लेता हूँ क्योंकि हो गया बस, लेग प्रेस में इतना वेट लगाऊँगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने 25 25 किलो और लगाया, यानी अब ये हो चुका है 60 kg, 60 kg ईच साइड, तो 60 60 हो गया 120 kg, 120 kg अपन ने फटाफट। देखो आप, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो निचला हिस्सा है ना, ये पूरा टच रहे, क्योंकि ये अगर उठ गया और फिर आप प्रेस कर रहे हो तो वो आप जहाँ पे प्रेस मतलब जिन मसल पे को टारगेट करना चाहते हो वो मसल टारगेट नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखें जो निचला हिस्सा है आपका इसको चिपकाए रखें, ठीक है, सरफेस पे, और उसके बाद ही उठाएं। यहाँ पे मैंने फटाफट से 12 15 जितने भी रैप आए वो कंप्लीट करने के बाद मैंने एक सेट और लगाया था इसका, पर इसको शूट नहीं कर पाया। तो उसके बाद अपन आ गए यहाँ पे लेग एक्सटेंशन पे। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये मैंने उठाया यहाँ पे 42 kg से, 42
पर 2 kg इसके मेरे लिए भाई बहुत ईजी हो गया है आजकल, बहुत ईजी नहीं देखो पैर ऐसे चलते 30 kg उचका उचका देखो। फिर यहाँ पर मशीन की साइड में एक और मशीन थी, इस पर मैंने ये वर्कआउट किया। ये वापस इस एक्सरसाइज में आपको अच्छी बता दूँ कि क्या इस एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ी मसल नहीं समझ लो, ये बाइसेप है। तो अपन यहाँ पे लेग्स का बाइसेप बनाना है, मुझे उस मसल का नाम नहीं आता इसलिए लेग्स का बाइसेप, बाकी बहुत बड़ी मसल रहती है ये भी। और फिर आप देख ही सकते हो ये अपन ने किया लेग एक्सटेंशन फिर से, जिसमें आप देखो कि 70 kg है, 70 kg पे इसको उठाना बहुत टफ हो जाता है, बट अपन देखो कितना इजीली मार ले रहा है क्योंकि भाई अब स्ट्रेंथ बढ़ गई है। मैं इवन 90 kg से भी ऐसे ही सेम मारता हूँ, मतलब जो फुल वेट्स है वहाँ पे। फिर अपन आ गए काव्स लगाने, काव्स में भाई बहुत वेट लगा हुआ था, कम से कम 25 किलो, 20 किलो, फिर 10 किलो या 15 किलो। तो आप देखो मैं इतनी मुश्किल से लगा रहा हूँ, अब ये देखो, अब ये ऐसा हो गया है कि बहुत भारी था भाई, बहुत भारी था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही भारी था, इतना भारी नहीं होना चाहिए। फिर इतना भारी होने के बाद भी मैंने उठाया, फिर मैं सेकेंड टाइम फिर से बैठा, और सेकेंड टाइम में तो ऐसा लगा कि वेट कम कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने वेट कम किया, सबसे पहले वेट कम करने के बाद मैं थोड़ी देर टिक भी पाया, पर फिर मैंने कहा कि यार वो सब तो ठीक है बट मुझे वेट कम लग रहा है। अब क्या ज़्यादा वेट उठा लिया था तो ये वेट कम लग रहा था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सियाना कहूँगा हमेशा। मैं बताऊँगा आपको इसमें मैं तीनों वेरिएशन लगाता हूँ, काफ्स के तीनों वेरिएशन, पहले स्ट्रेट लेग्स, देन हल्के से मोड़ करके जो कि अभी आपको दिख रहे होंगे ऐसे लगाता हूँ, और फिर जस्ट जो अपनी एडी वाला हिस्सा उसको आउटसाइड करके भी लगाता हूँ। बट इसमें शूट नहीं किया होगा कि वो सबसे लास्ट में लगाया था मैंने। तो तीनों जो काफ्स के हिस्से हैं, काफ्स की मसल है, वो अपन इसमें टारगेट करके ट्रेन करते हैं, ठीक है। और काफ्स के बाद मैंने एक सेट शोल्डर का भी लगाया था, क्योंकि मतलब जो हम आज डे 22वां जिसमें जाएंगे तो यहाँ पे शोल्डर भी लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 25 किलो लगा दिया, वेट काफ़ी कम लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे उठाया, दो ही लगाने के बाद नहीं उठा बहुत भारी लगा भाई, इसलिए मुंह से हंसी निकल गई कि यार उठ ही नहीं रहे। तो फिर भी हटाया मैंने, कहा एक बार और ट्राई, वो नहीं उठ रहा तो फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से वेट उठा के कम करा। मैंने कहा भाई रहे दे 25 किलो, 15 किलो से ही ऐश कर ले। फिर 15 किलो से ही अपन ने ऐश करी, और आप देख ही सकते हो वर्कआउट किया, अब तो ये भी भारी लग रहा था। 15-15 के दो लगे हुए हैं, यानी 30 किलो, 30 किलो भी भारी लगने लग गया था, तो पड़ ही नहीं रहे थे। फिर यहाँ पर आ गया मैं हेयर कट कराने, इतनी सालों से हर महीने 20-25 हजार पीसेस इस गाड़ी के, इतने सालों से ऐसे ही नहीं बिक रहे हैं भाई। सच में गाड़ी में भाई दम थी उस समय की इस स्विफ्ट में, ये आज से 9 या 10 साल पुरानी स्विफ्ट कार है, लेकिन भाई अभी भी इसका पिकअप सब बेहतरीन रखा हुआ है। जबकि भाई सामने वाला जिसकी ये गाड़ी है बहुत ही खस्ता कंडीशन में रख रखी है, मतलब बिना कोई सर्विस, बिना सारी चीज़ें वो चलाता है शायद ने भी, तो उतनी अच्छी कंडीशंस तो नहीं है इस गाड़ी की, पर स्टिल भाई गाड़ी अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और ऐसी रप रपाती हुई भग रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। और माइलेज भी काफ़ी अच्छा है भाई, इसलिए मारुति जो है वो फर्स्ट चॉइस रही है इंडियंस की। और आज आप देख ही सकते हो कि सब जगह शिवरात्रि का त्यौहार है, तो सब जगह पे जो है लाइक टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, ठंडाई लोग बांट रहे हैं, प्रसादी बांट रहे हैं, लोग आरती वगैरह कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छा व्यू भी है, और बस मैं अपनी मंजिल बोल रहा हूँ पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए एक और टेंट ये आ गया सामने, दिख रहा है आप लोगों को,
ये बेहतरीन लगा होगा। यहाँ पे सब बांट रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है भाई हर जगह पे। मैं भी लगा हूँ, फटाफट पहुंच जाऊं ताकि अपनी भी पूजा वूजा वगैरह करनी है। अब ये देखो आप, व्यू देखो आप भाई, कार के अंदर जो हल्की सी सनलाइट आती है ना विंडशील्ड से, ये वाली सनलाइट काफी अच्छी रहती है कुल मिला के देखा जाए तो। और चलिए अब आगे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समय चुरा करके मैं बाहर बैठा हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कर रहा हूँ डाइट फुलफिल। डाइट में तो क्या कर रहा हूँ, ये भाई मेरे बेसन और पनीर के पराठे विद दही। तो भाई मैंने कहा अब दही में चुगा चुगा के खाऊंगा, इससे अच्छा मैंने उसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करके वो और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन तरीके से खा रहा हूँ और इस तरीके से शिवरात्रि मना रहा हूँ। देख सकते हो फेस भी काफ़ी लीन होता है यार, लग रहा है कि नहीं, आज हेयर कट भी करा लिया देखो। अरे हाँ बताना ही भूल गया भाई, आज मैंने जो है अपना कुर्ता पजामा पहना है जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब मिलता हूँ, एक रील बना दूँ, रील भी पोस्ट करनी है। रील पोस्ट करने के बाद आएगा आपको अभिषेक दिखाता हूँ शिवरात्रि का, ठीक है। भगवते श्रीनरमेश्वराय भ्यो नमः, बीजपत्रं शरणयामि गिरिपत्रालते भगवते श्रीनरमेश्वराय भ्यो नमः। ॐ भूमाजवत्र्याय नमोनाम्याय नियाय नमोज्येष्ठाय ज्येष्ठाय ऊर्जाय च मध्यमाय च चापकलभाय चलिङ्गाय चलुद्धाय नमोभ्याय वर्तित्रियाय नाम्याय चलिङ्गाय चलोकाय वत्र्याय नमोरूपाय च कलयाय च नमो व्यामाय च नामापत्रे कृता नमस्ते अस्तु मामाहि भुङ्क्तेः निरतम् पुनप्राराय पोषाय सुप्रजाय सुवीराय हरे ॐ मा उग्रसन धीमहि। बैठ जाओ, सिट डाउन पूछी, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। हाँ यार, म्याऊ 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 म्याऊ, क्यूट है यार ये, है आंखें देख रहे हो आप, खतरनाक हो रही है। ये मांग रही है दूध, इसको चाहिए दूध। बस चुप, ला रहा ना, आ रहा बेटा आ रहा, कवर करो, आ रहा ले, आ रहा है, छोड़ दो ये पकड़ो गेट। और रुक जा रुक जा, हट हट जा हट जा, रख रहा हूँ पहले तो नहीं मानेगी और दे दे उसे। चले भाई, मैं शर्मा विष्णु अकेले अकेला सूप पीने कितना खाता हूँ भाई, सूप पी रहा हूँ यार, भूख लग रही थी क्या।